गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सार्वजनिक वित्त का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में अंतर, मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डेस्टिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। चूँकि आज आपको पता है कि राज्य की भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्थापित हुई है तब से देखते जाएं हम तो राज्य की भूमिकाएं बढ़ती जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि 1930 के बाद में राज्य की भूमिकाओं में निरंतर वृद्धि होती रही है। राज्य को अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आय के साधन जुटाने पड़ते हैं और उनके व्यय में इस प्रकार की सतर्कता बरतनी पड़ती है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार हो। सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक शांति एवं सुरक्षा से अधिकतम जनहित हो सके। राज्य की वित्तीय व्यवस्था के इस विज्ञान और कला को ही राजस्व, लोक वित्त अथवा सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि सार्वजनिक वित्त का मतलब सरकार के रेवेन्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरकार के रेवेन्यू से क्यों हम इसका डिस्कर्स यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सरकार की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। आज प्रत्येक क्षेत्र में सरकार अपने दायित्व को निर्वाह कर रही है, तो उन दायित्वों के निर्वाह सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु जरूरी है कि सरकार के पास में रेवेन्यू सोर्स होने चाहिए, ताकि वह इसका बहुत अच्छे तरीके से सेटलमेंट कर सके और व्यापक रूप से कल्याण के कार्यों को कर सके। सार्वजनिक वित्त का अगर हम अर्थ से स्टार्ट करते हैं, इसके मीनिंग को अगर हम देखें तो पब्लिक फाइनेंस दो शब्दों पब्लिक प्लस फाइनेंस से मिलकर बना है। यहाँ पब्लिक का तात्पर्य है जन समूह अथवा व्यक्तियों के समूह से है, जबकि फाइनेंस का अर्थ होता है वित्त या वित्त व्यवस्था से। चूँकि यहाँ जन समूह का अर्थ सार्वजनिक अधिकारियों से लगाया जाता है, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों का समावेश होता है। इन संस्थाओं की आय व्यय संबंधी क्रियाओं को ही सार्वजनिक वित्त की संज्ञा दी जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक वित्त के अर्थ में भी परिवर्तन की झलक मिलती है। सार्वजनिक वित्त का अभिप्राय राज्य की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान और कला से है। सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक संस्थाओं की आय और व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन से है। फिनले शिराज की अगर आप परिभाषा देखें तो राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं की आय प्राप्ति और व्यय से संबद्ध सिद्धांतों का अध्ययन है। प्लेहन की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, लोक वित्त राजनीतिज्ञ की उन क्रियाओं से संबंधित विज्ञान है जिसे यह राज्य के उचित कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक भौतिक साधन जुटाकर उपयोग करता है। इसी प्रकार से आप बेस्टवेल की डेफिनेशन देखिए, राजस्व में राज्य के सार्वजनिक अधिकारियों के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक संबंध तथा वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में विवेचन किया जाता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सार्वजनिक वित्त में किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है, एक तरीके से सार्वजनिक संस्थाओं, सार्वजनिक अधिकारियों, इनकी आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और किस तरीके से इसका ये प्रबंधन करते हैं, प्रशासन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अब अगर इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण किया जाए और इसके बाद में एक परिभाषा अगर बनाई जाए तो वह है राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं एवं शासन की उन वित्तीय क्रियाओं के सिद्धांतों एवं तरीकों का अध्ययन है। क्या है, राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या संस्थाएं हैं और अधिकारी हैं, और शासन के उन वित्तीय क्रियाओं के सिद्धांतों एवं तरीकों का अध्ययन है जिनके द्वारा वे आय जुटाते हैं, यानी वो इनकम किस तरीके से जुटा पाते हैं। जैसे अगर पंचायत देखिए, पंचायत चुंगी कर वगैरह लगाकर इनकम जुटाती है। इसी तरीके से स्थानीय स्वशासन में नगर पालिकाएँ देखिए तो नगर पालिकाएँ स्वच्छता आदि इस तरीके से कार्य करके धन
जुटाने का कार्य करती है। अच्छा, फिर इसमें और विभिन्न कार्यों में व्यय करते हैं और किस तरीके से जो इन्होंने इनकम अर्न की है, जनरेट की है, उसे किस तरीके से वे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण एवं परस्पर सामंजस्य बिठाते हैं तथा पारस्परिक वित्तीय संबंधों में सामंजस्य रखते हैं। तो इन सब का अध्ययन सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। सार्वजनिक वित्त को अगर हम संक्षेप में देखें तो सार्वजनिक वित्त सरकारी संस्थाओं की वित्तीय क्रियाओं से संबंधित सभी सिद्धांतों एवं तरीकों का अध्ययन करता है। इसमें मुख्यतः निम्न विषय आते हैं, कौन कौन से हैं इसमें, सार्वजनिक आय का प्रबंध एवं विभिन्न स्रोत, ठीक है, कि सार्वजनिक आय का आप किस तरीके से प्रबंध कर पाते हैं और उसके कौन कौन से सोर्स हैं, सार्वजनिक व्यय एवं उनके सिद्धांत, जो आय आपने ली है, प्राप्त की है, उसको आप किस तरीके से एक्सपेंड कर पाते हैं, एक्सपेंडिचर कर पाते हैं, कौन कर पाता है, गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सरकार का ही अध्ययन कर रहे हैं, सरकार के रेवेन्यू के सोर्स का, सरकार के एक्सपेंडिचर के सोर्स का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं और उसके लिए वह कौन से सिद्धांतों का उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था एवं भुगतान। नेक्स्ट, आर्थिक विकास एवं स्थायित्व में राजस्व का प्रयोग। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्यों में संघीय वित्तीय व्यवस्था, चूँकि सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, कलेक्शन का क्या तरीका है, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, पब्लिक फाइनेंस में। वित्तीय प्रशासन तथा सामंजस्य, इन सभी का अध्ययन सार्वजनिक वित्त के अध्ययन में किया जाता है। सार्वजनिक वित्त की अगर विशेष सामग्री या इसके क्षेत्र की अगर वो आप तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपने कार्य संचालन में व्यय हेतु साधन जुटाने पड़ते हैं, उसी प्रकार लोक वित्त या राजस्व में सरकार तथा उसके अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं प्रशासनिक इकाइयां जनता के कल्याण के लिए किस तरह विभिन्न मदों से साधन जुटाती हैं और किस प्रकार व्यय करती हैं, उनका अध्ययन राजस्व की विशेष सामग्री है। अगर मैं सीधे शब्दों में बात कहूँ तो यह है कि राजस्व अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा मौद्रिक साधन एकत्रित करके उनके व्यय करने के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और यही इसकी विशेष सामग्री है। इस संबंध में अगर हम डॉल्टन की डेफिनेशन देखें तो वो सबसे अच्छी मान्य डेफिनेशन कही जा सकती है। उसकी डेफिनेशन क्या है, सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। अब इस डेफिनेशन से आप देखिए कि सरकार को चलाने के लिए दो तत्व जरूरी हैं। सरकार को चलाने के लिए एक तो है कि राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ता है, पर दूसरी ओर अधिकतम जन कल्याण के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। सार्वजनिक वित्त शास्त्र की दो टांगों में से एक, इसी जो एक टांग राजनीति शास्त्र में है और दूसरी टांग इसके अर्थशास्त्र में फंसी हुई है। अतः सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार तथा लोक सत्ता अधिकारियों की उन सब क्रियाओं का समावेश होता है जिनका संबंध राज्य की आय जुटाने और व्यय करने से है। अगर मैं इसे और भी सिंपलिस्ट वर्ड्स में कहूँ तो ये है कि जहाँ सरकार द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में धन का संबंध आ जाता है, वही सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री एवं क्षेत्र की सीमा है। यानी जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं और उसमें जब पैसे की बात आ जाती है तो वो सारे आपके सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत आते हैं। जहाँ भी पैसा आएगा वहाँ पर और गवर्नमेंट के उसमें आएगा तो वो सारा आपके क्या है, सार्वजनिक वित्त में सम्मिलित मान लिया जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है, सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और ये व्यापक और विस्तृत हो गया है। अब यह हम अब मैं कहूँ कि इसमें सिर्फ हम सरकार की आय व्यय से संबंधित बातें करते हैं तो ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण तथा वित्तीय नियंत्रण का भी समावेश होता है। अब सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की अविभाज्य शाखा है जिसमें सरकार के आय व्यय संबंधी प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ हमारा काम ये तो नहीं है कि हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का ही एनालिसिस करें, हमारा काम ये भी है, अगर मैं कहूँ पब्लिक फाइनेंस में हमें ये भी पढ़ना होता है क्या कि किस तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन कर पाती है, क्या उससे कल्याण
अधिकतम बैठती हैं और किस तरीके से वह एक्सपेंडिचर का कार्य करती है और उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाती हैं पब्लिक को अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू, और सरकार किस तरीके से बजट बनाकर ये सारे कार्य करती है। सार्वजनिक वित्त के अंग की बात करें हम, तो सार्वजनिक वित्त के अंग में कौन कौन से जिनका हम अध्ययन करते हैं वह हैं सार्वजनिक व्यय। राजस्व का ये प्रमुख भाग है, इसमें सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं की व्यय की मात्रा, मदें, प्राथमिकता, सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें जिस प्रकार मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत उपभोग है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय में भी लोक शासन के उद्देश्य प्रतिबिंबित होते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू। व्यय की राशि का निर्धारण करने के बाद शासन अधिकारी को व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त साधन जुटाने की समस्या आती है। देखिए, इंडिविजुअल जब हम इंडिविजुअल पर्सन की इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें इनकम देखते हैं कि वो कितना कमाता है, उसको कमाने के बाद में उसको वह कहाँ कहाँ खर्च कर पाता है। लेकिन जब हम पब्लिक गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले उसमें उसका एक्सपेंडिचर का अध्ययन करते हैं कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ खर्च करना है। फिर उस खर्च के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उस खर्च के अकॉर्डिंग आपका रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य किया जाता है। तो गवर्नमेंट के मामले में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर की तरफ से मूवमेंट करते हैं, जबकि इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से अगर हम जब बजट की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन पहले रेवेन्यू अपने इनकम के सोर्स को देखता है, उसके बाद में अपने एक्सपेंडिचर की बात वह करता है। तो इसमें हम सार्वजनिक आय में जो कि व्यय के अकॉर्डिंग हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, रेवेन्यू के कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए और करारोपण किस तरीके से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण। चूँकि सार्वजनिक व्यय अगर अधिक रहेगा, आप रेवेन्यू के कंपेरिजन में अगर ऋण अधिक रहेगा, डेप्ट ऋण नहीं एक्सपेंडिचर अगर अधिक रहेगा रेवेन्यू के अवज में, तो ऐसे में ऋण लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने हैं जो कि उसने लोक कल्याण के लिए सोच रखे हैं। तो कितना ऋण लेना है, कैसे लेना है, ऋण किस तरीके से लेना चाहिए, ऋण की अवधि, ये सारे इसमें अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय प्रशासन। सार्वजनिक व्यय, आय तथा ऋणों आदि के यथोचित प्रबंध तथा नियंत्रण की कला को वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। वित्तीय प्रशासन में दो बातों का समावेश होता है, बजट बनाना और लेखा परीक्षण। प्रत्येक राज्य में एक बजट विभाग होता है जो आगामी वर्ष का बजट तैयार करने तथा उसकी स्वीकृत मदों का नियमित हिसाब किताब रखने की व्यवस्था करता है। ये संगठन ही आय एकत्रित करने, नए ऋणों की प्राप्ति, पुराने ऋणों के मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है आर्थिक संतुलन। सार्वजनिक वित्त के इस अंग के अंतर्गत आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति के प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसका महत्व 1930 की मंदी के बाद में अधिक हुआ है। राजकोषीय नीति उपभोग एवं उत्पादन की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, मूल्यों तथा विनिमय दरों में स्थायित्व, वितरण में न्याय और पूर्ण रोजगार से अर्थव्यवस्था में स्थिरता का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट है संघीय वित्त। विश्व के जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है, जैसे कि भारत है, अमेरिका है, आप देख लीजिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त साधनों का बंटवारा और उनके पारस्परिक वित्तीय संबंधों का अध्ययन इस भाग में किया जाता है। आगे हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, क्या ये कला है अथवा विज्ञान है अथवा दोनों है। में कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों का निरीक्षण और ठीक ठाक विश्लेषण किया जाता है। इस दृष्टि से देखने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त विज्ञान है। क्यों है? नंबर वन, सार्वजनिक वित्त में सरकारी व्यय, आय और ऋण आदि एक निश्चित योजना और मान्य सिद्धांतों के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। नंबर टू, ये सिद्धांत वैज्ञानिक मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, इसमें सार्वजनिक वित्त के नियमित तथ्यों और सिद्धांतों का क्रमबद्ध निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट, विवेचना के आधार पर भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित किया जा सकता है।
सार्वजनिक वित्त में मान्यता और सिद्धांतों की अवहेलना घातक सिद्ध हो सकती है। उपयुक्त चीज़ों को तथ्यों को देखने के बाद में एक बात ध्यान देने योग्य है कि लोक वित्त आश्रित विज्ञान है, क्योंकि इसमें राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों की विषय सामग्री का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इसे स्वतंत्र प्रकृति का विज्ञान ना मानकर निर्भर विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। अतः सार्वजनिक वित्त को विज्ञान मानना सर्वथा उचित है। अब प्रश्न आता है कि क्या ये कला है? तो कला का अर्थ कर्म करने या बनाने से है, डूइंग और मेकिंग से। कला के अर्थ को हम देखें, किसी कार्य को करने के सर्वोत्तम ढंग ये क्या है और ये क्या होना चाहिए को जोड़ने वाली कड़ी कला है। अर्थात वास्तविक विज्ञान में वस्तु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराया जाता है, जबकि आदर्श विज्ञान आदर्श प्रस्तुत करता है। इन दोनों प्रकार के विज्ञानों के अंतराल को पाटने की क्रिया ही कला है। कला के उक्त अर्थ में सार्वजनिक वित्त कला का रूप और उस समय धारण करता है जब अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए सरकार के सामने विविध साधनों से आय प्राप्त करने तथा व्यय करने में सामंजस्य स्थापित करने की समस्या आती है। सार्वजनिक आय में प्राप्ति की मात्रा, समय और स्रोत का औचित्य महत्वपूर्ण होता है। अतः जनता के विरोध से बचने तथा शासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु सरकार के आय और व्यय में समन्वय दूरदर्शी एवं अनुभवी कलाकार ही बैठा सकता है। अतः सार्वजनिक वित्त क्या है? कला भी हो गई है। आगे हम देखते हैं, सार्वजनिक वित्त विज्ञान और कला दोनों हैं। कला और विज्ञान के रूप में सार्वजनिक वित्त का विवेचन करने से स्पष्ट हो तो सार्वजनिक वित्त की कला, इसमें सामंजस्य स्थापित कर अधिकतम सामाजिक कल्याण उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।